आवारा पशु कब आके इन्हें खा के चला कि जाए। इसको घमंड भी आ गया है। दादी इस खेत में आज मेरी मम्मी बड़ी हो गई है और मेरे बस का काम नहीं है, मेरे ऊपर उड़ रहा है आजकल। तो आज छोरे से पूछ ही लेते हैं क्यों नहीं जाता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, और आजकल उत्तराखंड के मौसम का क्या ही कहना। अभी तक धूप लग रखी थी और जैसे ही मैं नहा के बाहर आई वैसे ही इतनी भयंकर बारिश होने लग गई है। और अभी लगभग बारिश थोड़ी बहुत रुक गई है, तो अब मुझे जाना है माता रानी के मंदिर में सफाई करने के लिए। काफ़ी टाइम से गर्मी लगभग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब बारिश होती है तो जिसकी भी गाय या बछड़ी बैल कुछ भी होते हैं तो वो इस बारिश में उनको भिगाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इस बारिश में जो इनकी पेट की गर्मी होती है वो भीगने से कम हो जाती। तब तक मैं माता रानी के मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तब तक अमन लेके आएगा धारा से पानी सभी देवी देवताओं का स्नान करवाने के लिए। और धारे से पानी लाके अभी अमन भी आ गया है। तो पानी लाके अभी अमन चले गया है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ अब साफ सफाई पूजा पाठ वगैरह सब कुछ मुझे ही करना है। अभी लगभग मैंने माता रानी के मंदिर में साफ सफाई भी कर दी है और सभी देवी देवताओं का स्नान भी करवा दिए हैं। और माता रानी के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर, और किचन में मेरी मम्मी लगी हुई है नाश्ता बनाने पे। आज मेरी मम्मी ने चूल्हे की लिपाई भी कर दी है। तक हमारा नाश्ता बन रहा है तब तक मैं कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत भयंकर बारिश होने के बाद बारिश रुक गई है, तो क्या पता दिन तक फिर से बारिश हो जाए, इससे पहले कपड़े धो देते हैं। जितने में हमारे कपड़े धुल रहे हैं उतने में मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। तो आज के नाश्ते में मम्मी ने बनाई है पत्ता गोभी, जो कि गोलू चाचा लोगों के खेत से लाई थी, और ये सीजन की हमारी फर्स्ट पत्ता गोभी है। तो अभी मैं और अमन तो जा रखा है वीडियो अपलोड करने के लिए, और मैं और मम्मी कर रहे हैं नाश्ता। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है और मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, तब तक मेरी मम्मी लगी हुई है। कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी ने यहाँ पे राजमा बोई थी, तो अब वो बड़ी हो गई है, तो उनको सहारे के लिए मम्मी यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियाँ काट के लाई है अपने ही पेड़ से। तो अभी मम्मी इनको रख रही है, और इनको हमारी गढ़वाली भाषा में अमान रखना बोलते हैं, और इसके सहारे जो राजमा का पेड़ है वो ऊपर तक जाएगा। बहुत सारी ताकत लगाने के बाद, और उसके बाद मेरी मम्मी पैर से इन पे मिट्टी बिठा रही है ताकि ये निकले ना, क्योंकि हमारे यहाँ हवा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको मिट्टी में नीचे तक रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ना हवा से हिले और ना ही आसानी से निकले। तो अभी मम्मी यही काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मेरी माँ इनको आगे से इस तरीके से नुकीले कर रही है ताकि ये मिट्टी में आसानी से चले जाए। और जितने मेरी मम्मी ने अवार्ड लाए थे वो मेरी मम्मी ने यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी थोड़े लगाने बाकी हैं, क्योंकि वो मेरी मम्मी अभी लेके आएगी, बाकी अभी मम्मी इस खेत में चली गई है, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे ककड़ी बोई है जिसके लिए मम्मी अभी वहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियाँ रख रही है। अभी लगभग मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो गई है, और जितने में मैंने कपड़े धुले उतने में धूप भी लग गई है। आजकल मौसम का कुछ नहीं बोला जा सकता है, आजकल मौसम अपने अनेकों रंग दिखा रहा है, कभी बारिश कभी धूप कभी बादल। तो अभी धूप आ गई है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। और इस सीज़न में जो सबसे पहले हमारे यहाँ सब्जी लग रही है, तो सभी लोगों की लौकी लग गई है, पर मेरी मम्मी की अभी नहीं लगी है, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ से बहुत कम चीज़ें होती है। मेरी मम्मी की लौकी की बेल तो इतनी बड़ी हो गई है, पर उसमें लौकी पता नहीं कौन से सन में लगेगी। मैं वैसे मजाक कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग घर में रहते हैं, तो अपनी जितनी भी बेल खेत वगैरह है उनके देखभाल करते हैं। मम्मी आजकल घर में आई है तो आजकल कर रही है, इसकी वजह से अभी हमारी ककड़ी लौकी लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे घर के पीछे एक और खेत है हमारा, तो इसमें मेरी मम्मी ने भट बो रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चौंसा सबको ही अच्छा लगता है, तो इस बार मेरी मम्मी ने भट खुद ही बो दिए। हमेशा हमें खरीद के लाना पड़ता था, पर इस बार हो सकता है कि हमें भट खरीदने ना पड़े। पहले भी मेरी मम्मी ने इसमें निलाई गुड़ाई करी थी, और अभी फिर से मेरी मम्मी आ गई है इनकी निलाई गुड़ाई करने के लिए। जब तक मेरी मम्मी घर रहेगी तब तक मेरी मम्मी कुछ ना कुछ करती रहेगी इन खेतों में।
हमारे कुछ टाइम से माल्टे के पेड़ नहीं थे, तो काफी टाइम से मेरी मम्मी पेड़ लगा रही थी, तो अब हमारे माल्टे के पेड़ ने फल देना भी शुरू कर दिया है। तो इस वाले पेड़ में सिर्फ 3 माल्टे लगे हुए हैं, और इधर भी मम्मी ने माल्टे के पेड़ लगाए हैं, और इस खेत में मेरी मम्मी ने कद्दू की बेल, उधर साइड भी कद्दू की बेल, भट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोई है। तो अब देखते हैं इस खेत में होता क्या क्या है, क्योंकि जब तक मेरी मम्मी घर है तब तक ही देखभाल होगी, उसके बाद आवारा पशु कब आके इन्हें खा के चला जाए वो भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारा नाश्ता पच गया है, और ये अभी आ रहा है वीडियो अपलोड करने के बाद, और अभी खा रहा है नाश्ता। मस्त नाश्ता खा रहा है, और नाश्ता खाते खाते मेरे भाई से बात कर रहा है, और उसी के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी शुरू हो गया है। और खेतों की सफाई करने के बाद अभी मेरी मम्मी आ गई है अपनी अलमारी की सफाई करने के लिए, और अभी लगभग टाइम हो गया है दिन के खाने का। तो आज सिंपल से मैं बना रही हूँ दाल चावल, और आज इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, जब बारिश हो रही है तभी ठीक लग रहा है, और थोड़ी धूप लग रही है फिर इतनी भयंकर गर्मी शुरू हो रही है। अभी हमारा दिन का खाना बन गया है, तो आज दिन के खाने में हमने सिंपल से बनाया मिक्स दाल और भात। अमन भी है दिन के खाने में हमारे साथ, क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है आजकल, इसलिए कम ही घर में टिकता है, तो आज बड़ी मुश्किल से ये टिका है, और सामने से मेरी मम्मी हमें खाना दे रही है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये घर पे नहीं टिकता है, ये खाना खाने के बाद गायब हो गया, और अभी आ रहा है, और अभी भी आया और तैयार होने लग गया है। तो ये आज जा रहा है नानी के घर घूमने के लिए, हाँ, क्योंकि ये बहुत आवारा है, और आजकल गोलू चाचा के कमेंट पढ़ पढ़ के इसको घमंड भी आ गया है। तो ये सोच रहा है जो हूँ मैं हूँ, जहाँ जाऊँगा मैं ही जाऊँगा, जो करूँगा मैं ही करूँगा, तो इसीलिए ये लग रखा है रास्ते। और हम भी इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन के लिए ये आया है, क्या ही बोलना है, फिर इसके बाद चला जाएगा ये अपनी जेल में, अपने सुंदर सुंदर हॉस्टल में, हाँ, उसके बाद क्या ही बोलना उसे। तो अभी अमन तैयार भी हो गया है, और ये जहाँ ऋषिकेश से भी ऐसे आता है, और जहाँ भी जाता है ये ऐसे जाता है, हाँ, क्योंकि इसके पास एक ही कलर की 2-3 टी शर्ट है, तो यही पहन के जाता है, और यही पिजामा इसके पास है। तो मम्मी अभी इसे भगाने पे आ गई तो अब ये कल या परसों आएगा, तो मम्मी इसे अब भगाने पे लग गई, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मम्मी बोल रही है अपना लैपटॉप लेके आओ यहीं पढ़ना, पर उसका तो अलग ही है। और अभी लगभग शाम हो गई है, और धूप हमारे पूरे गांव से चली गई है, और अमन भी चले गया है नानी के घर। मैं और मम्मी जा रहे हैं घूमने के लिए, और शौर्य हमारे साथ आगे से जुड़ेगा, क्योंकि शौर्य आगे समय आया था, तब मैं सो रखी थी, अब वो सो रखा होगा, तो अभी पहले चलती हूँ मैं, उसे उठाती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। और हमेशा की तरह शेरू बैठा रहता है गेट पे, और ये घर से आया कि ये जा रहा है, पर ये अभी यहीं बैठा है, तो अभी चाचा तैयार हो रहे होंगे, उसके बाद ये दोनों जाएंगे। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में, तो सबसे पहले चलते हैं शौर्य को उठाते हैं, और मुझे लगा कि ये सो रखा होगा, पर ये आराम से लेट रखा है, और सामने हमेशा की तरह जो इसका काम है टीवी देखना, तो ये वही कर रहा है। और जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, वैसे ही इसने नींद की एक्टिंग भी कर ली है। तो अभी शौर्य भी उठ गया है, और हम तीनों त्रिमूर्ति हो गए हैं इकट्ठे, तो अब हम जाएंगे यहाँ से घूमने के लिए। और पिछली बार मेरे दादा लोगों के अखरोट नहीं हुए थे, तो हमने अखरोट नहीं खाए, और इस बार मेरे दादा लोगों के काफी अच्छे अखरोट हो रखे हैं, तो इस बार हम अखरोट खाएंगे। और इसको अभी से लग गई है अखरोट खाने की। सबसे बड़ी बात, इस बार हमें किसी की चोरी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अखरोट हमारे खुद के घर में ही हो रखे हैं। अभी वो अखरोट पके नहीं है, पर इसको अपने मन की करनी थी, तो ये अभी एक अखरोट लेके आ गया है। अंदर से पकड़ के लगेंगे ये वाला, हाँ, इसमें हाथों में मेहंदी लग जाती है, ये जब पकेंगे हम तब खाएंगे अपने अखरोट। कल से दादी इस खेत में मंडवे की निलाई गुड़ाई करने पे लगी है, तो आज लगभग दादी की मंडवे की निलाई गुड़ाई इस खेत में पूरी हो गई है। पूरे दिन भर कोदे की निलाई गुड़ाई करने के बाद दादी अभी चाय लेके आई है, तो अभी भी बड्डी और बुड्ढी और दादी सभी पियेंगे चाय। हम आए थे दादी से बातचीत करने के लिए, पर हमारे शौर्य को जल्दी जल्दी जाना है घूमने के लिए, क्योंकि आज बल इसे दूर तक जाना है। जब तक मेरी मम्मी और दादी का वार्तालाप खत्म नहीं होता है, तब तक हम आगे आगे चलते रहते हैं, कि मेरी मम्मी और शौर्य बहुत तेज चलते हैं, तो आराम से मेरी मम्मी हम दोनों तक पहुंच जाएगी। और कल टिंगू ने एकदम सही बोला था बड्डी के लिए, कि मुझे पता है बल बड्डी कैसी किसान। मेरी बड्डी ने कल बोला था कि आज मैं ये खेत पूरा गोड़ दूंगी, तो आज भी मेरी बड्डी इसी खेत पे दिख रही है, क्योंकि बल बड्डी सुबह से घास के लिए गई थी, अब भी आ रही है गुड़ाई करने के लिए।
हम पहुंच गए हैं चौरंगी देवता के मंदिर में और सामने रोड का काम भी अभी रोक दिया गया है। ये काम 5 बजे तक होता है, कभी कभी 5 बजे के बाद तक भी होता है, पर आज जल्दी काम रुक गया। रोज हम जाते थे इस वाली सड़क में घूमने के लिए, तो आज हमारे शौर्य को जाना है इस वाली सड़क में नीचे तक घूमने के लिए। आज हम यहाँ तक घूमने आए थे और जब मैं छोटी थी तब मैं यहाँ घास लकड़ी और पीटा वगैरह सब यहीं से लेके जाती थी, यहाँ से भी बहुत आगे तक, और आज सिर्फ यहाँ घूमने आ रहे हैं तो समय समय की बात होती है। मेरी मम्मी ने भी यहाँ से घास ले जाया है, तो आज मेरी मम्मी बड़ी हो गई है और आज मेरी मम्मी यहाँ पे घूमने आ रही है। बस काम नहीं है, मैं काम नहीं कर पाती, तो बस जैसी माँ वैसी बेटी। एक टाइम पे मेरी मम्मी ने बहुत काम कर रखा है और एक टाइम पे मैंने भी बहुत काम कर रखा है, ये कोई शक की बात नहीं है। जंगल का जितना भी काम है वो मैं करती थी, मैं और मेरी मम्मी, और घर का जितना भी काम है वो मेरी दीदी अकेले करती थी। हमेशा की तरह हम आते तो यहाँ से हैं, पर ये हमें सड़क के रास्ते लेके जाता है, तो आज शौर्य से पूछ ही लेते हैं क्यों नहीं जाता है तो नीचे वाले रास्ते। तो इसको सड़क वाले रास्ते जाने में मजा आता है। बल और घूम फिर के अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव के ऊपर। अभी लगभग शाम हो गई है तो घूमने से हम आ गए हैं घर, सॉरी भी चले गया है अपने घर, और आज फिर से मौसम खराब हो गया है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।